मेरा नाम मोहम्मद उमर अब्बासी है और मैं डॉक्टर जैन से हेड ट्रांसप्लांट के पैदा कराने के लिए आया हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैन लतीफ है, मैं हेमाटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेड ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज मेरे साथ मेरे एक पेशेंट हैं, उनके रिव्यूज हम लेंगे। उनका नाम है उमर अब्बासी, जिन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले मुझसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और ये जगह जगह पर जाकर यानी कि मुतमिन नहीं हो गए थे, तो अलहमदिल्ला ये आज मुतमिन हैं और सेटिस्फाई हैं और ये कि ये आज रिव्यूज देंगे आपको। वेल, जब मैं आया डॉक्टर साहब के पास, उससे पहले तो काफ़ी टेंशन थी इस चीज़ को लेके कि ट्रांसप्लांट में पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने बताई कि तकलीफ़ होगी, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, उन्हें दिखाया सब और उन्होंने बाकायदा मुतमईन किया मुझे, उसके बाद माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। इन्फेक्शन के मुझे चांसेस थे तो मैं बार बार कंसर्न कर रहा था डॉक्टर साहब के पास, और अब माशाल्लाह बेहतर है। अब मैं अपने दोस्तों को भी लेके आया हूँ डॉक्टर साहब के पास ट्रांसप्लांट के लिए। सबसे बड़ा इशू मुझे ये था कि मेरी जो हेयर लाइन थी वो बिल्कुल पीछे चली गई थी और इस वजह से मुझे काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं कैप वगैरह यूज़ करता था, लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब से कंसर्न किया तो उन्होंने बाकायदा मुझे समझाया कि हेयर लाइन आपकी आ जाएगी और वो सारा ठीक। अब जाके जो है वो मैं मुतमईन हूँ कि काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा, जो आप सोच रहे थे कि साइड इफ़ेक्ट होंगे और मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो उससे आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं कि बाकी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं या ऐसे ही रूमर्स होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों की रूमर्स हैं। पहले मैं भी बहुत डरा इस चीज़ को लेके कि साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी या फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, डैमेज हो जाएगा या इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है माशाल्लाह, मुझे 1.5 साल हो गया है सर्जरी करवाए हुए, आज तक कुछ भी नहीं, कोई इशू नहीं है। कोई पेन, सर में दर्द वगैरह, आपको हेडेक वगैरह? कोई इशू नहीं है। कोई मेडिकेशन के कोई साइड इफेक्ट, कोई मैंने आपको ऐसी दी हो मेडिकेशन जिससे आपको इंटरनल तौर पर साइड इफेक्ट है? नहीं, मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, कोई इशू नहीं हुआ मुझे इस सर्जरी के बाद। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ इससे बेहतर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा विजिट करा, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, मुझे कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया उसके बाद माशाल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। इसी वजह से मैं आज अपने दोस्तों को लेके आया हूँ कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है, तो वो आप खुद यहाँ विजिट करें और ये बहुत बेहतरीन जो है ट्रांसप्लांट सेंटर है।